वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज से हम फिज़िकल एजुकेशन के वीडियो लेक्चर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक बहुत ही खुशखबरी की बात है आप लोगों के लिए। तो सभी ने ध्यान से लेक्चर्स को अटेंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, आज हम चैप्टर 1 शुरू करेंगे, विच इज़ प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है दैट इज़ प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो सभी बच्चे ध्यान से स्क्रीन पे देखेंगे बेटा। तो आज जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो भी बता देता हूँ। टॉपिक्स जो आज डिस्कस होंगे, आज नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे कि प्लानिंग क्या होती है, कि बेसिकली बेटा प्लानिंग है क्या। सेकंड हम डिस्कस करेंगे कि प्लानिंग जो हम करते हैं वो 3 तरह की होती है, कि प्री प्लानिंग क्या है, फिर हम पढ़ेंगे पोस्ट प्लानिंग क्या है, ठीक है, और एक हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग प्लानिंग क्या है। कि मीन्स 3 तरह से हम बेटा प्लानिंग करते हैं। एक तो है कि कोई भी टूर्नामेंट अगर हमें करवानी है उससे पहले जो हम प्लानिंग करते हैं वो, और ड्यूरिंग कि जब टूर्नामेंट चल रही होती है तब की प्लानिंग, और पोस्ट प्लानिंग मतलब जब टूर्नामेंट ख़त्म हो जाती है तब की प्लानिंग। तो दोस्तों, आपने देखा ही होगा आपके स्कूल में भी स्पोर्ट्स इवेंट होते रहते हैं, है ना। स्पोर्ट्स इवेंट्स तो होते ही रहते हैं ना सबके स्कूल में। तो भैया, स्पोर्ट्स इवेंट हमेशा हम सबके स्कूल में होते ही रहते हैं, ठीक है। तो इन स्पोर्ट्स इवेंट्स में आपको पता है कई तरह की तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो जो तैयारियां हमें करनी पड़ती हैं एक फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर को, पीटीआई टीचर को, पहले से ही कुछ प्लानिंग कर लेके चलनी पड़ती है अपने माइंड में बच्चे, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे कि प्लानिंग है क्या बेसिकली, कि कोई भी टूर्नामेंट जब हम कराते हैं तो कुछ ना कुछ उसकी पहले से ही हम प्लान उसके बनाते हैं। तो प्लानिंग है क्या और कैसे ये की जाती है, कौन सी कमेटीज़ होती हैं, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बेटा, आपके पास बुक तो होगी सबके पास, अगर बुक नहीं है तो ये बुक आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो। मैंने इस बुक का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन यहाँ से होती है। सबसे पहले तो आपको प्लानिंग की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो आपको जो डेफिनेशन प्लानिंग की याद रखनी है बच्चे, वो बस ये याद रखनी है कि प्लानिंग कैन बी अंडरस्टूड एज द प्रोसेस, प्लानिंग कैन बी अंडरस्टूड एज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए सीक्वेंस ऑफ वर्क फॉर ए फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन। मतलब पहले से ही एक प्रोसेस तैयार करना, मतलब बेसिकली प्लानिंग क्या है कि सीक्वेंस तैयार करना, किसी को भी काम को करने के लिए पहले से ही उसके फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन तैयार करना। मीन्स कि आप जो है, मीन्स इसका मतलब है कि आप कुछ भी करना चाहते हो तो, मतलब प्लानिंग का मतलब क्या हो गया, सीक्वेंस ऑफ वर्क ऑफ एक्शन। तो आप सिंपल शब्दों में ये बोल सकते हो बेटा कि प्लानिंग का मतलब क्या है, सीक्वेंस ऑफ वर्क ऑफ एक्शन। मतलब कि आप कुछ काम करना चाहते हो तो उसके लिए आप अपने मन में जो सीक्वेंस बनाते हो कि ये काम मैं ऐसे ऐसे करूँगा, तो उसे ही भैया हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। जैसे कि आप जब सुबह उठते हो तो सुबह उठते ही आप कुछ ना कुछ प्लानिंग ज़रूर बनाते हो, कि आप कुछ ना कुछ प्लान अपने मन में बनाते हो। जैसे ही आप लोग सुबह उठते हो तो सुबह उठते ही आप लोगों के मन में कुछ ना कुछ प्लान ज़रूर आते हैं, और वो प्लान आप बनाते हो कि जैसे मैं सुबह उठा हूँ तो आज मैं अपने किसी फ्रेंड के घर जाऊँगा, फ्रेंड के घर से आके मैं जो है थोड़ी देर मूवी देखूँगा टीवी में। तो आप इस तरह से बहुत से प्लान्स बनाते हो कि आज मैं सुबह उठूँगा, दोस्त से मिलने जाऊँगा, फिर अपना मूवी देखूँगा, फिर उसके बाद खाना खाऊँगा, फिर मैं यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा। तो आप भी पहले से ही एक सीक्वेंस जो है बना के रखते हो अपने माइंड में। तो उसी सीक्वेंस को बेटा क्या बोलते हैं, हम प्लानिंग बोलते हैं। तो सेम यहाँ पे भी प्लानिंग आती है कि जब भी आपके स्कूल में कोई टूर्नामेंट कराई जानी है, ठीक है ना, जब भी आपके स्कूल में कोई टूर्नामेंट होनी है, सपोज़ आपके स्कूल में जो है कबड्डी की टूर्नामेंट होनी है,
तो उसके लिए पहले से ही आपके जो पीटी सर हैं वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्लानिंग शुरू कर देते हैं, तो मतलब वो सोचना शुरू कर देते हैं पहले ही कि हमें अब क्या क्या जो है अरेंजमेंट्स करनी हैं। तो ये सारा बच्चे क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। ठीक है, तो आई थिंक सबको प्लानिंग की डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो गई होगी। तो प्लानिंग बेटा बिल्कुल इजी है, तो आप समझ सकते हो प्लानिंग की डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई कि प्लानिंग कैन बी अंडरस्टूड एज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ सीक्वेंस ऑफ वर्क फॉर ए फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन। इसके अलावा अलग अलग लोगों ने इसकी डेफिनेशन अलग अलग दी है, वो आप पढ़ सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे आपने बस जो ये डेफिनेशन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही याद रखनी है कि टू प्लान इज़ टू प्रोड्यूस ए स्कीम। ठीक है ना, कि टू प्लान इज़ टू प्रोड्यूस ए स्कीम फॉर फ्यूचर, ये नहीं याद रखनी है आपने। आपने क्या रखनी है बेटा याद, सिंपल आपने जो याद रखनी है वो ये डेफिनेशन देखो याद रखनी है कि प्लानिंग कैन बी अंडरस्टूड एज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए सीक्वेंस ऑफ वर्क फॉर ए फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन। ये डेफिनेशन आप अपने नोट्स में बना लें। तो प्लानिंग आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे आपका इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग, के प्लानिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है कि प्लानिंग क्यों की जाती है, वाई। ठीक है ना, कि प्लानिंग क्यों की जाती है, मतलब क्यों हम प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो ठीक है कि हम प्लानिंग क्यों करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग का मतलब बेटा यही है कि वाई वी डू द प्लानिंग, क्यों जो है प्लानिंग की जाती है, वाई, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखो, तो एम जो है बेटा प्लानिंग का वो सिंपल है, उस तो एम जो है प्लानिंग का वो सिंपल है। नंबर वन जो एम है प्लानिंग का वो है टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, मींस प्लानिंग से हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एफिशिएंसी बढ़ाने का मतलब है कि हम किसी भी काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, निपुणता से कर सकते हैं। मतलब जैसे इन्होंने कहा है कि प्लानिंग प्रोसेस, आप देख सकते हो कि इन्होंने कहा है ना कि प्लानिंग से क्या होता है, हमारी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। मींस के प्लानिंग प्रोसेस इन स्पोर्ट्स ट्राइज टू मेक यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज, मींस प्लानिंग प्रोसेस में बेटा क्या होता है, स्पोर्ट्स में हम कोशिश करते हैं जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे पास संसाधन हैं, उनको मैक्सिमम यूटिलाइज करने का हम प्लान बनाते हैं। तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज़ टू गेट हाइएस्ट परफॉर्मेंस बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑल द पीपल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। तो प्लानिंग से बच्चे क्या होता है कि जितने भी लोग हमारे साथ गेम में या टूर्नामेंट करवाने में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर देते हैं। प्रॉपर प्लानिंग से हम उनकी कैपेबिलिटी बढ़ा देते हैं। तो फर्स्ट जो फ़ायदा है प्लानिंग का वो ये है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड जो है वो है कीप गुड कंट्रोल। कीप गुड कंट्रोल मीन्स के प्लानिंग से हम जो है टूर्नामेंट के ऊपर, और जैसे हम कोई टूर्नामेंट प्लान कर रहे हैं तो हम उसको कंट्रोल्ड वे में चला सकते हैं, कि प्लानिंग हेल्प्स इन कीपिंग गुड कंट्रोल इन ऑर्गेनाइजिंग ए टूर्नामेंट एज ए प्लानिंग एंड कंट्रोल आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो हम अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों अपनी टूर्नामेंट पे, क्योंकि अगर हम पहले से ही प्लान करके चलेंगे तो बहुत सी दिक्कतों का सामना हम इजीली कर पाएंगे। हम पहले से ही अगर तैयार रहेंगे किसी भी टूर्नामेंट के लिए तो हमारा एक अच्छा कंट्रोल रहेगा, होल्ड रहेगा टूर्नामेंट्स के ऊपर। उसी तरह से अब हमारे पास थर्ड जो यूज़ है, दैट इज़ फैसिलेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। अगर हम प्रॉपर प्लानिंग से चलेंगे तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी बना पाएंगे, कि अगर हमें कोई भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवानी है, ऑर्गेनाइज अ कॉम्पिटिशन स्मूथली वेरियस कमेटीज़ आर फॉर्म। अब आपको पता है कि अगर हमें कोई भी टूर्नामेंट करानी है तो उस टूर्नामेंट के लिए कई तरह की कमेटीज़ बनती हैं। ठीक है ना बेटा, कई तरह की क्या बनती हैं, कमेटीज़। तो कई तरह की कमेटीज़ बनाई जाती हैं स्कूल में, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनेंशियल कमेटी। फाइनेंशियल कमेटी क्या करती है, पैसे का हिसाब देखती है। ठीक है ना, फाइनेंशियल कमेटी पैसे का हिसाब किताब देखती है। इसी तरह से कई तरह की कमेटीज़ दोस्तों बनाई जाती है, स्पोर्ट्स कमेटी खिलाड़ियों का ध्यान रखती है। तो इस तरह से कई तरह की कमेटीज़ जो हैं बनाई जाती हैं।
तो अगर हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो उससे हम इन सभी कमेटीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर पाएंगे और ये एक दूसरे के साथ मिलके कमेटीज़ जो हैं काम कर पाएंगी। फोर्थ जो पॉइंट है दैट इज़ फैसिलिटेट सेफ्टी एंड इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। अगर हम पहले से ही प्लानिंग करके चलेंगे तो टूर्नामेंट में जो परफॉर्मेंस होने वाली है उसमें भी हमें बहुत हेल्प मिलेगी। प्लानिंग इन एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैज़ एन ऑब्जेक्टिव टू रेगुलेट प्रॉपर सेफ्टी ऑफ पार्टिसिपेंट्स। कि हम पहले से अगर प्लान करें तो जो भी पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे टूर्नामेंट का उनकी सेफ्टी के अकॉर्डिंग हम प्लान बना सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करने के लिए हम पहले से ही प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट है बेटा प्लानिंग का। नेक्स्ट जो है पॉइंट आपके पास आता है दैट इज़ टू इंक्रीज़ द क्रिएटिविटी। अब बेटा आप खुद सोचो, अगर आप पहले से ही किसी चीज़ के बारे में प्लान बनाने लग जाते हो तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है या नहीं बढ़ती? सपोज़ आपके घर में किसी की शादी है तो आप पहले से ही शादी का प्लान करते हो या नहीं कि शादी कैसे करनी है, कि भैया हमें जो है दुल्हन ने कौन से कपड़े पहनने हैं, कि हमने खुद शादी में कौन से कपड़े पहनने हैं, हमें बारात का स्वागत कैसे करना है। तो कई तरह की प्लानिंग्स हम पहले से ही करते हैं और वहाँ पे हम अपनी क्रिएटिविटी भी यूज़ करते हैं कि मंडप कैसे सजा होगा। तो इसका मतलब हम अगर हम पहले से ही प्लानिंग करने लग जाएं तो हमारी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, मतलब हम कई नए आइडियाज़ लेके आ सकते हैं। अगर हम मिलके बैठ के प्लानिंग करें किसी चीज़ की तो कई तरह के आइडियाज़ जो हैं हमारे मन में आ सकते हैं और इन आइडियाज़ से हमारी जो क्रिएटिविटी है वो बढ़ती है ना। क्या बढ़ती है? आइडियाज़ से हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है बच्चे लोग। तो ये है फिफ्थ पॉइंट प्लानिंग का फ़ायदा। इसी तरह से सिक्स्थ पॉइंट बच्चे हमारे पास आता है दैट इज़ टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक। मींस गलतियां जो हैं वो कम हो जाती हैं। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करोगे तो थ्रू आउट द टूर्नामेंट गलतियां होने के चांस भी कम हो जाएंगे। सेवन्थ पॉइंट बेटा आता है प्रोवाइड न्यू फैसिलिटीज़ टू मीट द डिमांड्स। मीन्स आप अगर पहले से ही प्लानिंग करके चलोगे तो जो भी डिमांड्स होंगी उन डिमांड्स के अकॉर्डिंग आप फैसिलिटीज़ रख पाओगे। कि प्लानिंग प्रोसेस इन स्पोर्ट्स ट्राइज टू प्रोवाइड न्यू फैसिलिटीज़ टू इंश्योर दैट कम्युनिटी हैव एक्सेस टू सफिशियंट हाई क्वालिटी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। मीन्स अगर हम चाहते हैं कि जो स्पोर्ट्स में खिलाड़ी आ रहे हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अच्छी फैसिलिटीज़ मिलें तो इसके लिए पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ती है। एकदम से कुछ भी नहीं होता। कि सपोज़ आप अपने स्कूल में कबड्डी का कंपटीशन कराने जा रहे हो और उसमें दूर दूर से लोग आएंगे तो आपको पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी कि भैया उनकी रिफ़्रेशमेंट का क्या होगा, है ना। आप पहले से ही प्लानिंग करने बैठोगे कि आपको उनकी रिफ़्रेशमेंट का भी देखना पड़ेगा, है ना। रिफ़्रेशमेंट ऐसे ही आपको उनके रुकने का भी इंतज़ाम करवाना पड़ेगा, उनके रेस्ट का भी इंतज़ाम कराना पड़ेगा, उनको रेस्ट भी करना है रुकना है। कई तरह की प्लानिंग आपको पहले से ही करनी पड़ेगी खिलाड़ियों के लिए। तो इससे जो है कई तरह की फैसिलिटीज़ आप पहले से ही प्रोवाइड करवा सकते हो। एट्थ जो ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग का वो है प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़। मतलब जो हमारे पास ऑलरेडी फैसिलिटीज़ हैं हम उनका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। मीन्स कि स्पोर्ट्स प्लानिंग हैज़ एन ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ विच इंक्लूड प्लेइंग फील्ड स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल बिल्डिंग्स फॉर द पर्पस ऑफ बेटर रिजल्ट्स इन एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी। मीन्स कि हम हमारे पास जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको हम सही कर सकते हैं। अब हमारे स्कूल में ग्राउंड है ना हमारे स्कूल में ग्राउंड। अब अगर सपोज़ हमारे स्कूल में कबड्डी का टूर्नामेंट होना है ना, किसका टूर्नामेंट होना है? कबड्डी का। तो कबड्डी के लिए हमारा स्कूल में पहले हमें ग्राउंड तो तैयार करना पड़ेगा ना, ग्राउंड बनाना पड़ेगा, अच्छे से ग्राउंड प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको हम सही कर सकते हैं आइडियाज़ बना के पहले से ही। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वह है एड इन ऑर्गेनाइजिंग। मीन्स ऑर्गेनाइजिंग कैन नॉट बी डन विदाउट प्लानिंग। दिस इज़ बिकॉज प्लानिंग टेल्स अस हाउ मच रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड। दिस मीन्स द प्लानिंग हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग। मीन्स प्लानिंग की वजह से ही हम बड़े बड़े इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करवा पाते हैं। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग एंड इवेंट, ये दोनों एक इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं। जब तक हम कुछ प्लान नहीं करेंगे तब तक हम कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं करवा पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर आपके घर में शादी है तो शादी की प्लानिंग आप पहले से ही करने लग जाते हो कि कहाँ से शादी का कपड़ा खरीदना है, बारात कहाँ ठहरेगी, ठीक है ना, गोल्ड कौन सा पहनना है, तो इस तरह से डीजे वाला कौन सा बुक करना है। तो आप पहले से ही
फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए प्लानिंग करने लग जाते हो ना, तो ये बेटा ऑब्जेक्टिव्स हैं प्लानिंग के, ये फ़ायदे हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बच्चे इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वेरियस कमेटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, के प्लानिंग में कौन कौन सी कमेटीज़ हैं और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, प्री ड्यूरिंग एंड पोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बेटा दिल से पढ़ना है, सबने मेहनत करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरी तरफ से, ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरी तरफ से बाय। ठीक है ना, सभी बच्चे अपना ध्यान रखें, स्टे सेफ, स्टे होम, अपने घर पे ही रहें। बाय।